ये बहुत ही शर्मनाक की बात है कि कांग्रेस पार्टी जिन्होंने इस देश को 50 साल से ज्यादा चलाया, वो आज वही भाषा की बात कर रहे हैं और वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जो अलगाववादियों का और पाकिस्तान में रह करके जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं उनकी भाषा और कांग्रेस की भाषा और उनकी भाषा में मेल खा रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि जिस पार्टी ने 50 दशक से ज़्यादा इस देश को चलाया उस पार्टी आज ऐसा चीज़ उनसे हमको सुनने को मिल रहे हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उस समय कांग्रेस पार्टी और इन लोगों ने कहा था कि भाई आप प्रूफ दिखाओ, सेनाओं के ऊपर में सवाल उठाते हैं, सेनाओं को कहते हैं कि तुम इसको प्रूफ दिखाओ, और जब इसका कोई एविडेंस प्रूफ सामने आता है तो फिर कहते हैं कि तुम पब्लिसिटी कर रहे हो। इस तरह का जो काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसका कोई एहसास है कि नहीं कांग्रेस पार्टियों को? इनको 50 दशक से जो देश को चलाने का मौका मिला उसका देश के प्रति क्या प्यार नहीं बचा? आज आपने देश को तो लूट लिया और आज आप देश को नुकसान और पहुंचाना चाहते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में थोड़ा सा भी देश के प्रति अगर थोड़ा भी भावनाएं बाकी हैं तो तुरंत वो माफ़ी मांगना चाहिए, देश को भी और सेना को भी।